सो वी हैव फाउंड अ वियर्ड थिंग. स्मृति वन जो इस पार्क का नाम है, मैं ईयरफोन लगाकर घूमना मना है. बताइए अब, जॉगिंग लोग करने ही इसलिए आते हैं ताकि वो ईयरफोन लगा के स्टाइल मार सके. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? यार मेरा नाम है लक्ष्य, आप देख रहे हैं मेरा चैनल. और अभी यार सुबह के बज रहे हैं 5:40, और 5:40 पे कोई बंदा अगर ऐसी ड्रेस पहन के खड़ा है तो वो जा रहा होगा जॉगिंग करने. तो हम भी आज सुबह जॉगिंग करने जा रहे हैं. वैसे थोड़ा जल्दी का प्लान था पर थोड़ा लेट हो गए हैं. मेरा दोस्त बार खड़ा है यार, पता नहीं मेरा हर ब्लॉग इतनी जल्दी जल्दी स्टार्ट क्यों होता है. तो ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बस बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ स्मृति वन, जो जयपुर में ही है, जलधारा के पास में. प्रोबेबली जो जयपुर से वो जानता होगा. तो अभी मेरा दोस्त बार खड़ा है तो हम उसके पास चलते हैं और उसके बाद चलेंगे स्मृति वन और वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या है. और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए. हालांकि मैं कभी सुबह गया नहीं वहाँ पे, हर बार शाम को गया हूँ. तो देखते हैं यार वहाँ पे जाके. तो मैंने तुषार को पहले ही बैग दे रखा था. गुड मॉर्निंग तुषार. चलो हाय मांजू, आ जा. ठीक है. और हिमांशु गुड मॉर्निंग. वहाँ पे राइडर खड़े हैं. तो गाइस दीवार के उधर हमने गाड़ी खड़ी करी, इधर से एंट्रेंस था. और एंट्रेंस के बाद पहली जगह जो हमने देखी है वो है ये है इको एनवायरमेंटल म्यूज़ियम. और ये पीछे चिड़ियाओं की आवाज़ आपको आ रही होगी. तो ये अंदर पूरा म्यूज़ियम है. अंदर मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि पीछे बैक साइड में लोग योगा कर रहे हैं. तो मैं आपको एक बार अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है पूरा. तो यार अभी हम बस चलते जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं. और एक अगर टिप मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप फोटोग्राफी के लवर हैं या फिर आपको अच्छे अच्छे शॉट्स चाहिए तो यार ये जगह है आपके लिए. क्योंकि ज़्यादातर फ़ोटो ग्रीनरी के पास खिंचवाते हैं, यहाँ पे इतने अच्छे फ्लावर्स और इतनी अच्छी ग्रीनरी के फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएंगी. तो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो इधर आ जाओ. और क्या पता इसमें बाद में टिकट्स लग जाएँ, पर अभी सुबह के टाइम में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए इस पार्क में टिकट नहीं है. तो यही बात है. तो गाइस ऐसे यहाँ पे पेड़ों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं. तो आप जानकारी, अगर आप एक प्लांट एंथुजियास्ट हैं या फिर अगर कुछ हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं. और यहाँ पे बटरफ्लाई वैली लिखी है, मतलब यहाँ पे ऐसे पौधे हैं जिन पे बटरफ्लाइज आती है. तो यही बात है. और यहाँ पे यार मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये जगह लग रही है. सुबह सुबह मैं आया हूँ, वॉक तो नहीं हो पा रही क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ. पर जैसे जैसे पत्थर इन्होंने रख रखे हैं, सीढ़ियाँ बना रखी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी जगह लग रही है. और ये हम एक ब्रिज पे आए हैं अब. तो गाइस ब्रिज के बाद हम यहाँ पे, ये पूरा पैसेज है लंबा सा, आगे देख सकते हैं ये पूरा लंबा सा वॉकिंग ट्रैक है. हम इस पर आए, इधर भी है ना बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं. जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर किंगफिशर लिखा हुआ है. तो यहाँ पे अलग अलग चिड़ियाओं के और अलग अलग प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं. अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं. और बाकी पीछे पूरा थिक जंगल है और ये जंगल पूरा झाराना से जाके जुड़ता है. तो और आगे देखता हूँ यार मेरे को क्या क्या दिखता है. तो यहाँ पे यार ऐसे खूब सारे छोटे छोटे स्टेयर्स हैं, तो इन पे आप काफ़ी अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं. और ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं यार, पार्क की ब्यूटी में ऐड करते हैं. तो अब ये पता नहीं रास्ता पूरा कहाँ जा रहा है आगे, हमको कुछ पता नहीं है. यहाँ पे ऐसे खूब सारे रास्ते हैं जो पता नहीं कहाँ जगह कहाँ मिलते हैं. तो यहाँ पे जगह 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 मैप लगा रखे हैं, तो आप मैप को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा. मैं आ रखा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है, तुषार भी आ रखा है तो इसलिए. और बाकी यहाँ पे जगह जगह इन्होंने ये तो लगा ही रखे हैं प्लांट की स्पीशीज़ और एनिमल्स की स्पीशीज़ कौन सी यहाँ पर हैं. तो यहाँ पे देखो, अब हम एक चौराहे पे आ गए. एक रास्ता यहाँ पे, एक रास्ता यहाँ पे, एक रास्ता यहाँ पे और एक रास्ता यहाँ पर.
तो यार अगर आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे मैंने आमेर फोर्ट पे आपसे कहा था कि उनकी दीवारों पे मत लिखना, और यहाँ पे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यार अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पत्तों को ना तोड़ें और ना किसी पत्ते या फिर पौधे के ऊपर पैर रखें, क्योंकि यार आपको पता है कितने प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो इसलिए आप यहाँ पे आएँ तो पौधे या फिर फूल नहीं तोड़ें, और यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है। और यार इन्जॉय करें यार, कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो आके इन्जॉय करो यार, और क्या चाहिए। और इसके बाद आप सिनेमैटिक शॉट देखेंगे इस जगह के, तो पहले वो देख लो यार। तो तुषार भाई हमारे इतने टैलेंटेड हैं, तुषार भाई ने यहाँ पे जो ये लटक रही दिख रही हैं चीज़ें, इनसे एक ब्रेसलेट बनाया है। तो अगर हमारे क्या बोला, अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे तुषार भाई। और अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो जो 100वां सब्सक्राइब करेगा उसे हम ये गिव अवे देंगे। तो भाई जिसको चाहिए वो तुषार भाई संभाल के रखना। तो अब हम थोड़ी चढ़ाई करेंगे, और रुक जा बे, गिर जाऊंगा, गिर गया गिर गया गिर गया, नहीं गिरा ऐसे तो मैं। कर लिया अपन ने चढ़ाई पूरी, मैं ज़्यादा ऊपर आ गया क्या, फोटो लेनी है यार उसको। तो यार यहाँ पे कुछ ऐसी ढलाने वलाने हैं, तो थोड़ा आप संभल के रहिए। और यहाँ पे यार ऐसी रास्ते हैं, मतलब कहीं से कोई भी रास्ता जुड़ जा रहा है, तो ऐसी भूल भुलैया आया ना, जंगल वाली फील आएगी आपको पूरा। मैं देखो नीचे उतरता हूँ थोड़ा ध्यान से, वरना हम गिर जाएंगे। हम गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा कैमरा नहीं गिरना चाहिए, कैमरा नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसे रास्ते हैं यार कुछ यहाँ पर बढ़िया से, और बस हम चलते जा रहे हैं। और हमको एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिल गया फ़ोटोशूट के लिए। अब हमारे तुषार भाई बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत जॉगिंग करने आए हैं और ये बिल्कुल फिट हैं एकदम। तो बताएंगे तुषार भाई कि यहाँ पर शेर आते हैं क्या? शेर वेट का तो पता नहीं एग्जैक्टली, लोग कहते हैं कि यहाँ पे शेर आते हैं, बट आई डोंट बिलीव दैट यहाँ पे कुछ आता है, लोग घूमते हैं बस, वो भी बड्डे। आप इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख के आए? इतनी इंग्लिश की बात नहीं है, आप बताएं कि यहाँ पे किस टाइप के लोग आते हैं? टाइप सी लोग, जिनको बस घूमने से मतलब है। टाइप सी लोग आते हैं यहाँ पे, और देखा जाए यहाँ पे टाइप सी लोग आते हैं। तो यार यहाँ पे अभी मेरे को मैप मिला है, मैं आपको मैप की फ़ोटो दिखाता हूँ, आप यहाँ पे रोक लो और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कुछ समझ में आ जाए आपको। अभी हम आगे चलते हैं, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे ऐसी बहुत बढ़िया लंबी सी चलने की जगह है, तो वॉकिंग अगर आप करना चाहते हैं या फिर जॉगिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये तो मेंढक है, वाह यार बिल्कुल लग ही नहीं रहा। सो गाइस नाउ वी हैव फाइंड एन एग, हमें यहाँ पे एक अंडा पड़ा हुआ मिला है, पता नहीं है किसका इतना बड़ा अंडा, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना यार, काफ़ी बड़ा अंडा है, उसको छेड़ नहीं रही। और आपको भी अगर ऐसे कोई अंडे में तो छेड़े ना उसको, और आसपास ध्यान रखें या फिर सांप वगैरह हो सकते हैं। तो फिलहाल का तो यही सीन है, और अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं, हमको कुछ ज़्यादा खास चीज़ें मिली नहीं है यहाँ पर, तो देखते हैं अब हमको आगे क्या मिलता है। अगर आगे कुछ नहीं मिलता तो सिनेमेटिक शॉट्स तो आपने देख लिए, उसके बाद मैं ब्लॉग एंड कर दूंगा, फिर हम घर चलेंगे। तो गाइज अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ बढ़िया शॉट्स लिए हमने इधर के मोर के लिए और चिड़ियाओं के, और अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ से अगर अपन बाहर जाएंगे तो यहाँ से निकलेगा दूसरा गेट, और उस गेट पे हमको जाना नहीं है। तो अब यहाँ से पूरा घूम के हमको जिस रास्ते से आए हम आपको उस गेट पे जाना पड़ेगा जिधर हमारी गाड़ी खड़ी है, तो करीबन 1-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो व्लॉग क्या करना ज़्यादा,
बस यही था यहाँ पे, पार्क है बहुत अच्छा, आप सुबह आ सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह 5 बजे करीब ये पार्क खुल जाता है। मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कोई टिकट नहीं भरा हुआ है, आप दिन में आएंगे तो शायद तक टिकट लग सकती है। दूसरी बात ये है कि इधर शायद तक फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है विद द प्रॉपर ट्राइपॉड एंड एवरीथिंग। तो हमें तो फिर भी कर रहा हूँ, मुझे अब किसी ने मना नहीं करा, तो आप एक बार आके देख लेना किसी ऑफिशियल के सामने, आप अपना कैमरा नहीं निकालो। बस यार आज के लिए इतना ही, अभी तो व्लॉग नहीं एंड करूँगा, अभी सिर्फ स्मृतिवन का व्लॉग एंड कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार बाहर जाता हूँ फिर देखते हैं, कुछ दिखाने के लिए है या नहीं, बाहर व्लॉग एंड करेंगे।